हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता नाया। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हो चुकी है दोपहर। जी हाँ, मेरी फ्रेंड को आना था तो मेरी फ्रेंड आ चुकी है और यहाँ पर बच्चा पार्टी अपने टॉयज लेके खेल रही है, इंजॉय कर रही है। प्रियंका मेरी फ्रेंड, उसका बेटा ही कुछ खाने के लिए मीठा से कुछ लाए थे, चॉकलेट लाइक, लेकिन इसका शेप जो था सिगरेट की तरह था। टंकली पोती ज़रूर है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। सॉरी शोप तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया, बाकी लोगों ने टेस्ट किया। प्रियंका ने भी नहीं खाया, उसे भी नहीं पसंद आया। बच्चों के अपने अपने फ्लेवर्स होते हैं। अनाया को पसंद आया तो उसने ज़्यादा ले लिए, हालांकि वो पैकेट्स भी दे के गया था अनाया को। और इधर आ गई है बाबू, कुछ कान में कह रही है भाई के, उसे शायद कुछ चाहिए था। यस, यही जो खा रहे थे ना, इसका पैकेट चाहिए था, क्योंकि अनाया को उसने एक पैकेट दिया था इसलिए उसे भी एक चाहिए था। हालांकि इन्होंने एक पैकेट खुलवा लिया था चिप्स का, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं खाया। और इधर मैंने मंगा लिए थे अस्टिक की और बताशे, क्योंकि मैं छुटक्की जो है ना भाई मेरी बहुत हेल्प करती है। मुझे कुछ भी मंगाना होता है ना तो दो पर्सन मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक तो अनु भैया और दूसरा छुटक्की, ये मेरे इतने हेल्पिंग हैंड्स हैं, आई कांट टेल यू इन माई वर्ड्स। सच में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो छुटक्की ले आई है हमारे लिए पानी बतासे और टिक्की। छुटक्की आ चुकी थी तो मैं जो है दोनों में ही जो टिक्की आई थी तो उसमें ये जितनी भी चटनी है वो लगा के नहीं दी थी, वरना ये सौगी टाइप में हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैं यहीं पे डाल रही हूँ और जो पत्ते होते हैं ना दोने, इसमें खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं हालांकि कही थी कि इनको प्लेट्स में लगा लूँ तो प्रियंका ने बोला नहीं, दोने में ही खाते हैं हम लोग। तो ये थी मीठी चटनी, सारी चटनियाँ, खट्टी चटनी, दही और थोड़ा सा मसाला, वो सारा मिला हुआ था तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग सारे दोनों में डाल रही थी। हालांकि बच्चों ने कुछ कुछ खाया था तो पेट बहुत भरा हुआ था। पास में ही बिल्कुल ठेला लगाते हैं और ठेले का नाम है फेसबुक वाले, और इतनी भीड़ होती है इनके यहाँ। अगर आप कभी नहीं खाए तो ज़रूर ट्राई करें इनके यहाँ का। ठेला आता नहीं है कि दो तीन घंटे में पूरा ठेला फिनिश। आप शुरुआत में जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बाद में जाओगे तो भीड़ ही भीड़ मिलने वाली है। ये लगता है धर्मशाला रोड पर और बहुत ही टेस्टी, साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। मस्ट ट्राई, मुझे कहना चाहिए कि मस्ट ट्राई, एक बार जरूर ट्राई करें आप लोग। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं जब भी खाती, वैसे तो मैं खा लेती हूँ, बताशे मेरी कमज़ोरी है तो ऐसा कुछ है नहीं कि हरदोई में मुझे यहीं से खाने हैं, लेकिन ये मेरे पास में है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है तो फिर मैं मोस्टली यहीं पे मंगाती हूँ जब तक हरदोई में हूँ। तो बस लगा ली मैंने प्लेट और शुभ को मैंने प्लेट में लगा के दे दिया, शायद उसको अच्छा ना लगा, मतलब खा ना पाए बच्चे, इस तरीके से बिल्कुल डिनाई कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। एक्चुअली इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और स्नैक्स भी लिया था, वो जो लाए थे तो इनका भर गया पेट, तो इन्होंने शायद एक बाइट खाई है, थोड़ा खाया है, लेकिन बाबू ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया है। बाबू आ तो गई है साथ में, वो नाया के साथ में बिजी थी, लेकिन उसका मन नहीं है खाने का। प्रियंका फोर्स कर रही है तो मैंने कहा नहीं खाती तो ज़बरदस्ती मत खिलाओ। और जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट डे एडिटिंग कर रही हूँ, और मैंने अनाया को भी, अनाया तो टिक्की तो नहीं खाती है, मैंने कहा बताशे खाओ मैं पहले खिला देती हूँ, तो अनाया ने बिल्कुल मना कर दिया। और आज उसको फीवर आ रहा है, कल तो मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा शायद ऐसे ही मना कर रही है। हालांकि मैं खाना स्टार्ट हो गई हूँ टिक्की, यमी यमी सी, और ये शूट किया है अनाया ने। और इधर दोनों के दोनों फिर खेल में लग गए हैं, बाबू ने भी कुछ नहीं खाया, प्रियंका की बेटी ने, हम लोगों ने टिक्की खाई है। और ये मेरे से कुछ बातें कर रही हैं, बहुत शाई नेचर की है, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं बोल रही थी, बाद में तो खैर बोल भी रही थी। मेरी और प्रियंका की बातें चल रही हैं और इधर ये बिज़ी हो गई हैं खेलने में, कुछ अलमीरा है शायद, डॉल्स हैं। और इधर फिर मैंने सोचा कि चले जल्दी से लगा लेते हैं बताशों की प्लेट, क्योंकि अभी उनको जाने का टाइम हो गया है। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड भी ना जॉब में है, तो सच बताऊँ जॉब वाला कोई टाइम निकाल के आता है यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम नहीं टाइम निकाल पाते आने जाने के लिए। मिला ले दे के एक संडे मिलता है, उसमें भी फैमिली है, उसको भी ध्यान देना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हम लोग को ना संडे को ही घर में बहुत से काम जो है हम पेंडिंग रखते हैं और इंतज़ार करते हैं संडे का, तो टाइम निकाल के आई प्रियंका। बस इधर हम लोग खा रहे हैं बताशे, और आज पहली बार ऐसा था कि अनाया बताशा खाने के लिए मना कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मना कर रही थी। आज मुझे पता चला क्योंकि कल उसको फीवर टाइप में लग रहा था, उसे अनईजी लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी टेस्ट, तो उसने खाने से मना कर दिया। वो मना कर रही कि मम्मा नहीं खाऊंगी, और मुझे लग रहा था कि मैं खाऊं वो ना खाए तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मुंह में ना एक छाला भी हो गया था, प्लस उसको फीवर भी आ रहा था। हालांकि दवा तो मैंने कल शाम से उसको मेडिसिन मंगा दी थी। और इधर शुभ ने भी खाया, और शुभ की स्टाइल क्या थी खाने की पता, वो कुरकुरे टाइप में कुछ अलग फ्लेवर सा था, मुझे नहीं एग्जैक्ट नेम याद, वो ना बताशे में वो डाल के खा रहा था,
स्पाइसी बना करके बिल्कुल अपने अपने अलग अलग टेस्ट बना के। नाना ने फिर बिस्किट लिया मीठा, क्योंकि उनके छा रहा था मुँह में, तो उसको दर्द हो रही थी, जलन मच रही थी, तो उसने फिर खाया ओरियो। मैंने कहा कुछ तो खाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम खा रहे थे और वो बैठी हुई थी। बस मैंने और प्रियंका ने बातें बातों में बतासे फिनिश किए धीरे धीरे करके। एक्चुअली वो भी जब ये देखो ना, वो कुरकुरा डालना देख रहे हो आप, यस, और स्पाइसी बतासे बना रहे भैया ये बच्चे, जबकि ऑलरेडी बताशे का पानी ना बहुत ही टेस्टी था, स्पाइसी था। और बाबू देख रही हो, कह रही मैं नहीं खाऊंगी, प्रियंका बोली है खा लो खा लो। सो हमने और प्रियंका ने और शुभ ने भी दो तीन खाए, वो कह रहा था अच्छा है। तो बस इस तरीके से हमारा टाइम जो है कब कट गया, हमारा टाइम हमें पता ही नहीं चला। अभी आ गई थी मेरी बारी बताशे खाने की, शूट कर रही है मेरी डॉटर रहना या यमी। कुल मिला के अच्छा लगा प्रियंका आई टाइम निकाल करके। बहुत बहुत महीने पहले मुझे लग रहा है, नहीं अबाउट 7 to 8 months हो गए हैं जब मैं प्रियंका के यहाँ गई थी, और करते करते कभी मैं यहाँ नहीं थी, कभी कुछ ओकेज़न ऐसे आ रहे थे कि वो नहीं आ पा रही थी, कभी वो बिज़ी थी कभी मैं बिज़ी थी। फाइनली उसे टाइम मिला, वो टाइम निकाल के आई। और ये जो छोटी सी डायरी ले रखी है ना प्रियंका की बेटी ने, ये ना उन्होंने नुमाइश से जिद करके ली थी, और बस हो गया प्रियंका का जाने का टाइम। और ये ना हाइट नाप रहा है हम दोनों से, तो बहुत क्रेजी है कि हम आपसे लंबे हैं और ये करके, क्योंकि बाबू भी छोटा है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है बेटी की अभी, तो बहुत क्रेजी हो रहा है, वही नाप रहा था। तो मैंने कहा चलिए आप खुश रहें कि आप हमसे लंबे और लंबे हों आप, यही हम जो विशेष करेंगे। बाबू कह रही फिर मैं आऊँगी, उसे अच्छा लगा नाया के साथ में। अभी हो गया है जाने का टाइम, प्रियंका जा रही है, बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया एक साथ में। प्रियंका बोली आऊँगी फिर आऊँगी, और फिर ये यही कह रहा है कि हम आप दोनों से लंबे ही देखें। जैसे ही वो उसमें देखता है ना जैसे ही वो देखेगा ना हम तीन लोगों के साथ में, बस अपने हाइट की लेके जिक्र करने लगता है। और बस हमने किया सी ऑफ, फिर आना प्रियंका अच्छा लगा। प्रियंका ड्राइव करके आई थी, ड्राइव करके जाए मेरी फ्रेंड, और बहुत कम टाइम मिला हम लोगों को, खाना उन्होंने नहीं खाया क्योंकि बोली थी आ जाओ कि खाना वो खा के आई है, क्योंकि हाँ बाबू तो भूल गई, इट्स ओके। तो भैया बस वही टिक्की बताशे चाय नाश्ता हुआ, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा आ जाओ, क्या खाओगे आओ वॉचिंग। कीप वॉचिंग, लाइक वाइज, बाय बाय एवरीवन।